गाजीपुर बॉर्डर से भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का रोने का वीडियो वायरल होने के बाद किसानों में आक्रोश बना हुआ है, जिसकी वजह से राकेश टिकैत के भाई नरेश टिकैत ने आज मुजफ्फरनगर में महापंचायत बुलाई। उसी के चलते आज जनपद शामली से सैकड़ों किसान भी मुजफ्फरनगर पंचायत के लिए रवाना हो गए। पंचायत में जा रहे किसानों ने स्पष्ट कर दिया है कि किसान मरने मारने से भी पीछे नहीं हटेंगे। जो भी दिशा निर्देश भारतीय किसान यूनियन तय करेगा उसका सख्ती से पालन किया जाएगा। बता दें कि आज शामली जिले से सैकड़ों किसान मुजफ्फरनगर महापंचायत के लिए रवाना हो गए। ट्रैक्टर ट्रॉली से किसान नारेबाजी करते हुए मुजफ्फरनगर महापंचायत में जा रहे हैं। वहीं पंचायत में जाते हुए किसानों ने उत्तर प्रदेश की पूर्व सरकार में किसानों की हुई मौत के बजाय वर्तमान में बीजेपी सरकार में किसानों की मौत का आंकड़ा बढ़ना बताया है। किसानों ने आरोप लगाया है कि पूर्व की सरकार में जहां 180 किसान मरे थे, वहीं अब बीजेपी सरकार में कर्ज में दबकर 380 से भी ज्यादा किसानों की मौत हो गई है। भारतीय किसान यूनियन के सामने अब बीजेपी सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी। अब किसान मुजफ्फरनगर महापंचायत के लिए जा रहे हैं और किसी भी कीमत पर रुकने वाले नहीं हैं। अब किसान मरने और मारने को तैयार हो गया है। हम मुजफ्फरनगर के आज नरेश टिकैत हमारे अध्यक्ष हैं। जो भी हमें ऑर्डर करेंगे, हमें मुजफ्फरनगर में पंचायत है जो भी काले कानून के विरोध में हमें मुजफ्फरनगर जहाँ भी जेल भरो आंदोलन जो भी होगा हम वहाँ जाने के लिए तैयार हैं। पर जब तक काला कानून वापस नहीं होगा हम किसान वापस नहीं हटेंगे। जितनी भी साजिश भाजपा रच रही है उसे किसान भलीभांति जान चुका है। झंडा बंधवाना वो काम करवाना सब भाजपा की देन है। आंदोलन को खत्म करने की साजिश है। किसान इस बात को किसी कीमत पर मानने वाला नहीं है। जब तक काला कानून किसान विरोधी कानून वापिस नहीं होगा वही मोदी हैं और वही योगी हैं। अरे योगी ने 14 दिन का परमिट देने के लिए बात कही थी और पूरी भरी पंचायत में 14 दिन परमिट होगा। आज किसान आज साल भर हो गया है एक पर्ची घर में नहीं आ रही है। हमारे पास पैसा होता जब दूसरों की सरकार थी, सपा और मायावती की सरकार थी, जब 180 आदमी आत्म हत्या करते थे किसान। आज 380 किसान मोदी की सरकार में कर्ज में डूबकर आत्म हत्या कर रहे हैं।